तो आज हम नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। नाउन्स सबसे पहले कॉमन नाउन्स। नाउन्स कई प्रकार के होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन नाउन्स का जो मेन फॉर्म है, मेन पार्टीशन है, वो है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो नाम लोगों के, एनिमल्स या जानवरों के, जगहों के और किसी भी वस्तु के। तो कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग। और ये जो वर्ड है लोगों के लिए उसको देखेगा, जैसे आर्टिस्ट, ये कॉमन नाउन है, कोई भी आर्टिस्ट हो सकता है, मिस्टर एक्स भी हो सकते हैं, मिस्टर वाई भी हो सकते हैं, मिसेस एक्स भी हो सकती है। ऐसे क्लाउन है, एक्रोबैट है, एस्ट्रोनॉट है, और भी अगर देखें तो एक्टर, आंट, बेबी, बेकर, कुक, डेंटिस्ट, डॉक्टर, जायंट, लॉयर, जज, मैन, नर्स, पुलिस ऑफिसर, सिंगर, सोल्जर, टीचर, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं। एस्ट्रोनॉट का अगर आप थोड़ा एक जनरल नॉलेज के लिए, जो वर्ड है एस्ट्रोनॉट का, उसको आप स्पेसमैन या स्पेस वुमन भी बोल सकते हैं। अगर हम उन वर्ड्स की बात करें जो कॉमन नाउन है एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, देखिए ईगल है, जिब्रा है, डियर है, क्रोकोडाइल है, बर्ड, बियर, कैट, काउ, डॉग, डॉल्फिन, डक, फिश, गोट, गूज, हेन, हॉर्स, माउस, पैरट, शार्क, व्हेल, ये सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं जानवरों के लिए। फिर जगह के लिए जो कॉमन नाउन्स है उसमें है आपके बीच, पार्क, शॉप, लाइब्रेरी, ये एग्जाम्पल है। और भी देखते हैं, एयरपोर्ट, केव, चर्च, फार्म, हिल, हॉस्पिटल, होटल, हाउस, आइलैंड, मॉल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, सी शो, स्टेडियम, सुपरमार्केट, टेंपल एंड जू। अगर वस्तु की बात करें तो उसके लिए कॉमन नाउन्स क्या होंगे, जैसे बास्केट है, ड्रम है, बेड, ब्लैंकेट, गेट, और भी अगर देखें तो बैग, बॉक्स, ब्रेड, कैन, कैन ये वो वाला कैन नहीं, ये जैसे पेप्सी का कैन होता है ना, उस तरह की कैन की बात हो रही है। चेयर, कॉट, कप, डेस्क, डोर, एग, काइट, लैडर, लैंप, पिक्चर, लैंप को देखिएगा थोड़ा आगे आएगा ये क्वेश्चन में, रेडियो, टेलीविजन, ट्रेन, ट्रक, वॉच, विंडो। तो एक्सरसाइज वन देख लेते हैं, हमको अंडरलाइन करना है कॉमन नाउन इस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस में। तो कॉमन नाउन कौन से है, देयर इज अ लिटिल बर्ड इन द गार्डन, देयर इज अ लिटिल बर्ड इन द गार्डन, तो बर्ड ऑफ गार्डन। हु इज योर टीचर, टीचर, डोंट ईट दैट रॉटन एप्पल, एप्पल वस्तु का नाम है, वस्तु में आपके फल का नाम है। केट हैज अ लवली डॉल, केट हैज अ लवली डॉल, तो केट भी नाउन है और डॉल भी नाउन है, लेकिन केट आपका कॉमन नाउन नहीं है, ये आपका स्पेसिफिक नाउन है जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो इसको यहाँ पर अभी नहीं लेंगे, आगे चल के लेंगे, तो डॉल लिखेंगे यहाँ पर, क्या आंसर डॉल है। आई लाइक रीडिंग स्टोरीज, रीडिंग स्टोरीज, तो आपका स्टोरीज आ जाएगा। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर आपका नाउन की श्रेणी में आ जाएगा, फादर भी आपके नाउन की श्रेणी में आएंगे और एक कॉमन नाउन की श्रेणी में आएंगे। एवरी चाइल्ड हैज अ डिक्शनरी, तो चाइल्ड और डिक्शनरी। रूडी हेट्स बनानास, तो बनानास आ जाएगा, रूडी जैसे मैंने बताया आपको, ये नाउन तो है लेकिन ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, तो आगे इसको देखेंगे। The phone is ringing. The phone आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। Here's a book for you. Book हो जाएगा इसमें। Exercise 2 देखते हैं। Here's a mixed bag of words. ये words हैं, कुछ mixed हैं। हमको इन श्रेणियों में डालना है इनको। People, animal, place or thing. Name, place, animal, thing. तो swimmer ये जाएगा people में। Letters ये जाएगा thing में। Mountain ये जाएगा आपका places में। Granny ये people में जाएगा। Snail animals में जाएगा। Flag thing में जाएगा। Facts thing में जाएगा। Taxi again thing में जाएगा। फायर इंजन थिंग में जाएगा। रिवर आपके देखिए इसमें थोड़ा सा एक पेंच है कि ये प्लेसेस भी हो सकता है और थिंग में अगर रखेंगे इसको तो रिवर कोई चीज नहीं होती, रिवर इज अ प्लेस, तो उसकी लोकेशन होती है, तो प्लेस में जाएगा। होटल इज अ प्लेस, गार्डनर इज अ पीपल, इज वेलकम टू पीपल, क्लाउन पीपल में आएगा, बार्बर पीपल में आएगा, पैरट पैरट आपके जैसे तोता है वो एनिमल में आएगा, कैमल कैमल ऊंट एनिमल में आएगा। अब प्रॉपर नाउन की जो बात कर रहा था, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस, जगह, नाम, किसी आदमी का नाम और थिंग, अगर जब किसी के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे, उसका नाम देंगे, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा ओमर, बीथोवन, लीजा, सेंटा क्लॉज, देखिए एस और सी दोनों कैपिटल है इसमें, ऐसे अलीबाबा, फॉरेन नाइट एंगल, डेरेक जेटर, पॉलिन, जोनी डेप, पैट्रिक, हैरी पॉटर, पिनाचियो, रॉबिन हुड, तो आपका नाम और नाम आपके दोस्तों का, ये भी आपके प्रॉपर नाउन है। जैसे किम ली अगर आपके दोस्त हुए तो के और एल कैपिटल होगा इसमें। जो कंट्रीज के नाम है, कंट्रीज यानी कि देश, अलग अलग देशों के नाम है और उनके जो लोगों के नाम है, देश के लोग किस तरीके से होते हैं, उनकी नेशनैलिटी के बारे में बात हो रही है, वो भी प्रॉपर नाउन है। जैसे अमेरिकन, इजिप्शियन, इंडियन, इटालियन, जैसे मैं इंडिया का हूं तो मैं इंडियन हूं, इटालियन, थाई, जापानीज, कोरियन, मलाय, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, ऐसी कंट्री में आपके अमेरिका होता है तो उनके लोग अमेरिकन होते हैं, ऐसे इजिप्ट के इजिप्शियंस, इंडिया के इंडियंस, इटली के इटालियंस, जापान के जापानीज होते हैं, द जापानीज, ध्यान दीजिएगा द जापानीज, और कोरिया कोरियंस, मलेशिया मलेशियंस, पाकिस्तान पाकिस्तानीज, फ्रांस फ्रेंच, थाईलैंड थाईस।
जो जगह के नाम है, सिटी के नाम है, बिल्डिंग के नाम है, लैंडमार्क्स के नाम है, जो टाउन, जैसे टाउन का एक नाम हुआ, अगर किसी टाउन का नाम बात करेंगे, जैसे हम एक टाउन का नाम ले लें पानीपत, अब ये टाउन हुआ तो ये इसका नाम पानीपत जो है प्रॉपर नाउन हो गया। देखिएगा कैसे, हांगकांग, इजिप्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देखिए ग्रेट, इसे जी डब्ल्यू और सी कैपिटल में, बाकी ये स्मॉल में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एस और एल कैपिटल में, सिडनी, टोक्यो टी कैपिटल में, तो बैंकॉक, लंदन, न्यू दिल्ली, पेरिस, बीजिंग, न्यू दिल्ली, डेनवर, सेंट्रल पार्क, द आईफिल टावर, बिग बेन, द ग्रैंड कैनियन, द लीनिंग टावर ऑफ पीजा, ब्रुकलिन ब्रिज, पाइक्स पीक, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन आएंगे। जो दिन है एक वीक के, जो दिन होते हैं संडे से लेकर आपके मंडे तक, मतलब आप यहाँ से चलाइए संडे से मंडे और दोबारा संडे पे आ जाइए, इसी तरीके से मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि आप जनवरी से बाद दिसंबर तक करिए, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन है। तो संडे से लेकर सैटरडे तक, बीच में सारे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ध्यान दीजिएगा इन सब में जो भी हम बात करें पीछे चाहे आगे, सब कैपिटल से शुरू हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कैपिटल से शुरू होना चाहिए प्रॉपर नाउन को। जनवरी पहला मंथ होता है साल का, संडे पहला दिन होता है वीक का, तो आप मंडे को पहला दिन मत मानिएगा, कभी कभी बोलते ना कि आज मेरा वीक स्टार्ट हो रहा है, नहीं, फर्स्ट डे वीक का संडे होता है। अब अगर माउंटेन, सी, रिवर, लेक की बात करें, जिनके जिनका नाम है स्पेसिफिक, तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, जैसे द थेम्स जो लंदन में बहती है नदी, माउंट एवरेस्ट, ये केवल माउंटेन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक माउंटेन है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट, पहाड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन माउंट एवरेस्ट। इसी तरीके से आपका नियाग्रा फॉल्स, बहुत सारे फॉल्स है, बहुत सारे आपके जो एक जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल, देयर आर वेरियस वाटरफॉल्स, बट नियाग्रा फॉल्स एक स्पेसिफिक नियाग्रा फॉल्स, आपको पता है कहां पर है, कनाडा, लेक मिशिगन, द आल्प्स, द डेड सी, माउंट फ्यूजी, द हिमालयंस, द पैसिफिक ओशन, द येलो रिवर, ये सारे के आपकी किसमें आएंगे प्रॉपर नाउन की, येलो रिवर, जैसे अब ये क्वेश्चन में भी आएगा, येलो रिवर अगर येलो है, पीली नदी की बात हो रही है तो ये आपके नॉर्मल नाउन में आएगा, लेकिन अगर किसी आपके रिवर का ही नाम येलो रिवर है तो वो आपके इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो आप ये द क्यों लगाते हैं आगे ओशंस के, रिवर, सी और रेंज और माउंटेन के, क्योंकि ये जो ओशंस है स्पेसिफिक है। अब ये बताइए कि हिंद महासागर चेंज तो होगा नहीं, हिंद महासागर तो हिंद महासागर है, ऐसे रिवर है। अब अगर गंगा है तो गंगा तो अपनी जगह चेंज करने वाली नहीं है, गंगा तो गंगा रहेगी, तो द गैंजेस आएगा उसमें। सी, अब क्या लगेगा कि जो समुद्र है वो आपके सी, उसके आगे द लगाएंगे आप, रेंज ऑफ माउंटेन, जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, वो तो रेंज है माउंटेन, वो तो चेंज नहीं हो रही ना, वो तो हम इस, वो तो लैंड उसका कवर या फिर जो टेरेन फॉर्मेशन तो बन गया। माउंट यूज करते हैं माउंटेन के आगे, कैसे यूज करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट का मतलब माउंटेन ही होता है, माउंट एवरेस्ट, माउंट सेंट हेलेंस। अब माउंट बार बार लिखने से अच्छा है एमटी कर दीजिए, ये भी चलेगा, माउंट एवरेस्ट और माउंट फ्यूजी। अब जो फेस्टिवल के नाम है, स्पेशल इवेंट्स हैं, हॉलीडेज हैं, वो भी सारे प्रॉपर नाउन्स में आते हैं, जैसे द वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे, हैलोवीन, न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस, मेमोरियल डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, अप्रैल फूल्स डे, थैंक्सगिविंग डे, सेंट पैट्रिक्स डे। तो इसमें जो डी है वो भी कैपिटल आया, ध्यान दीजिएगा, डे को स्मॉल मत करिएगा, डी भी कैपिटल आएगा इसमें। अब अंडरलाइन करना है हमें प्रॉपर नाउन्स, एक्सरसाइज वन है ये, इसकी प्रॉपर नाउन्स की। तो हमें जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था, कुछ कुछ चीजें थी पर प्रॉपर नाउन हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो कॉमन नाउन थी। इससे प्रॉपर नाउन क्या है, जुलाई, जुलाई इज ऑफ द हॉटेस्ट मंथ इन द समर, जुलाई विल बी प्रॉपर नाउन। वन डे अलीबाबा आपका प्रॉपर नाउन है। थीव्स हाइडिंग इन अ केव, ये आपका थीव्स अगर की बात करें तो ये आपका कॉमन नाउन है, जबकि अलीबाबा आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। शॉन, एशली प्रॉपर नाउन, मिस ली प्रॉपर नाउन, आई एम योर फेरी गॉड मदर सेड द ओल्ड वुमन टू सिंड्रेला, सिंड्रेला इज प्रॉपर नाउन, अंकल माइक, माइक इज प्रॉपर नाउन, अंकल माइक, माइक आप क्योंकि नाम है किसी का। नेक्स्ट ट्यूजडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, ट्यूजडे कैपिटल में आएगा। मेरे चिल्ड्रन एंजॉयड द मूवी ऑफ लायन किंग, एल के, लायन किंग कैपिटल, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब हमको वर्ड हमको यहाँ मिले हुए हैं, इसको हमको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में विभक्त करना है, अलग अलग लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लीजा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। जनवरी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर में जाएगा। डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, बैंक आपका कॉमन नाउन है, बीच आपका कॉमन नाउन है, मंथ आपका कॉमन नाउन है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट होटल प्रॉपर नाउन है, व्हाइट सैंड बीच प्रॉपर नाउन है, डॉक्टर वैंग प्रॉपर नाउन है, यूनाइटेड बैंक प्रॉपर नाउन है, होटल कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। अब सी लिखना है कॉमन के लिए, पी लिखना है प्रॉपर के लिए, बैंक ब्लैंक में आपको हर एक नाउन के लिए। द व्हाइट हाउस, ये आपका प्रॉपर नाउन है, द ग्रीन ड्रेस कॉमन नाउन है, टॉल बिल्डिंग, द टॉल बिल्डिंग कॉमन नाउन, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग क्योंकि किसी जगह का नाम है, किसी स्पेसिफिक नाम है, ये प्रॉपर नाउन। येलो रिवर प्रॉपर नाउन, मडी रिवर, अब मडी रिवर क्या हो गया, स्मॉल में दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो कॉमन नाउन। द गवर्नर कॉमन नाउन, कैपिटल आप कैपिटल से पता चल जाएगा कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन। ओरेगन ट्रेल कॉमन नाउन, विंडिंग ट्रेल कॉमन नाउन, ओरेगन ट्रेल प्रॉपर नाउन। इनको मैंने क्यों बोला प्रॉपर, क्योंकि कैपिटल में है, ओरेगन नाम है, विंडिंग ट्रेल तो एक, एक उसकी परिस्थिति का नाम है, इसलिए आपका विंडिंग ट्रेल विल नॉट, ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जनरलाइज है, ये स्पेसिफिक है, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन, ये आपका कॉमन नाउन।
चलिए अंडरलाइन करना है नाउन्स को जिनको हमको कैपिटल करना है। कैपिटल किसको करते हैं? जिसको जो प्रॉपर नाउन होगा। और सर्कल करना है उन नाउनों को दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, जिसको कैपिटलाइज नहीं करना है। तो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ये नाम है, एल को कैपिटल कर दीजिए। रोड ट्रेजर आइलैंड, रोड ट्रेजर आइलैंड। अब ट्रेजर आइलैंड उन्होंने किताब लिखी उसका तो नाम हो गया ना, वो प्रॉपर नाउन हो गया स्पेशली, ये टी कैपिटल आई कैपिटल। इसी तरीके से द कैपिटल ऑफ इलिनॉय, अब कैपिटल तो एक जनरलाइज वर्ड है तो स्मॉल ये कॉमन है, स्मॉल सी होगा ये ऑफ इलिनॉय, इलिनॉय कैपिटल में आएगा। स्प्रिंगफील्ड बिल्कुल ठीक है, एस कैपिटल है। माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं, स्मॉल एफ करिए। एंड आई प्रेफर टू प्रेफर ग्लिटर गम्स टूथपेस्ट, अब ग्लिटर गम्स टूथपेस्ट स्पेसिफिक है तो टी को कैपिटल करना पड़ेगा आपको। देयर फैमिली, फैमिली फैमिली स्मॉल करेंगे क्योंकि फैमिली तो जनरलाइज वर्ड है। विजिटेड येलो नेशनल पार्क, अब येलो स्टोन नेशनल पार्क में एन नॉट पी आपको कैपिटल करना पड़ेगा, तो पी ऑलरेडी है, एन कैपिटल करना पड़ेगा। जुआन एंड मारिया, जुआन और मारिया नाम है तो एम कैपिटल में होगा। अटेंड कैनेडी मिडिल स्कूल, अब कैनेडी मिडिल स्कूल में के कैपिटल कर दीजिए और एस कैपिटल कर दीजिए। वी हैड अ सरप्राइज पार्टी फॉर आंट हेलेन, आंट हेलेन इसको आप ए कैपिटल कर दीजिए, हेलेन। और सरप्राइज पार्टी, जो एस सरप्राइज पार्टी जो होती है ये कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि कोई हेलोवीन हो रही है, ईद हो रहा है या फिर दिवाली हो रही है, ये सरप्राइज पार्टी है, जनरलाइज वर्ड है, तो एस और पी को कैपिटल कर दीजिए, स्मॉल कर दीजिए। स्प्रिंग एंड फॉल आर माय फेवरेट सीजन, स्प्रिंग एंड फॉल, इसको आप देखेगा कि यहाँ पर एस तो स्टार्टिंग में एस ठीक है, ये फॉल तो जनरलाइज्ड है, फॉल एफ स्मॉल कोई स्पेसिफिक नहीं है। द मैनेजर, मैनेजर तो स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, ये तो मैनेजर मतलब जो मैनेज करेगा, स्मॉल एम। अब मैनेजर मिस्टर मिस्टर एक्स अगर कोई है तो वो कैपिटल में हो जाएंगे। स्कोल्डेड हिज लेजी एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी जनरलाइज्ड वर्ड है तो इसको ई को स्मॉल कर दीजिए। अब सिंगुलर नाउन्स की बारे में बात करें हम, सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? तो नाउन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंगुलर भी हो सकता है, एक प्लूरल हो सकता है। तो आप किसी एक आदमी जानवर जगह या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, जैसे अ शिप, अ वुमन, अ ट्रेन, एन आउल, अ फ्लावर। ए और एन क्यों यूज होता है बताता हूं मैं आपको। पहले देख लीजिए कि सिंगुलर में क्या है, अ वुमन, अ फ्लावर, अ ट्रेन, अ शिप, एन आउल। इसके बाद एन एरोप्लेन, अ बाइसाइकिल, अ बॉय, अ बस, अ कॉम, अ गर्ल, अ की, अ लेटर, अ मैप, अ फोटोग्राफ, अ रेफ्रिजरेटर, अ स्लाइड, अ स्विंग एंड अ वैन। तो हमारा ए और एन के बारे में मुद्दा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम जब भी वॉवल देखेंगे ए ई आई ओ यू, जब भी वॉवल होगा, देखिए दो टाइप के वर्ड होते हैं, मतलब अल्फाबेट हमारे पास दो टाइप के, कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवल होते हैं। बोलने का तरीका होता है, जैसे हम बोलेंगे मुंह से तो कहाँ कहाँ से तालू से आवाज आती है, जबान से आती है, वो उस चीज के हिसाब से बने हुए हैं। तो ए और एन, ए और एन ये आपके सिंगुलर नाउन के आपको जब लगाना है तो एन लगाएंगे उसके सामने जो आपका वॉवल से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच क्या है? पेंच या कैच कह सकते हैं। आपका यूनिफॉर्म जब आएगा और यूनिवर्सिटी आएगा तो यहाँ पर आप एन नहीं लगाएंगे, जबकि ये यू से शुरू हो रहा है, तो अगर यू के बाद एन आता है तो आप इसको ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। एक और चीज देखिएगा, ए हमेशा तब लगेगा जब कॉन्सोनेंट्स हो, तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स हो जाते हैं, इनको छोड़ के सारे जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अ बास्केट, अ बाउल, अ कार, अ हिल, अ हाउस, अ रेनबो, अ मॉन्स्टर, अ पिलो, अ वॉच, अ जू। इसी तरीके से कुछ वर्ड होते हैं जो इसको इस रूल को भी फॉलो नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि देखिए ये एच है, एच तो कॉन्सोनेंट है, उसके आगे आपने एन क्यों लगाया? वो इसलिए एन हायर, एन ऑनर, एन आवर, इसीलिए क्योंकि इसके आगे ई आ रहा है, ई ओ ओ। देखिए ई है, ओ है, ओ है, ये दोनों, ये तीनों क्या है, मतलब वैसे तो दो वर्ड है, दो वॉवल्स है, लेकिन तीन वर्ड में यूज हुए हैं, ई ओ ओ। ई आपका हो गया, व्हाट इज दिस ई, दिस इज वॉवल्स, ये वॉवल है, तो वॉवल है तो इसके आगे एन लगा दिया, तो एच के आगे अगर वॉवल आता है तो उसके आगे एन लगता है। प्लूरल नाउन्स के बारे में बात करेंगे, जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में, वस्तु के बारे में, जानवरों के बारे में, जगह के बारे में बात करते हैं तो उसे हम वहां पर हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे, प्लूरल, एक से ज्यादा प्लूरल। जितने भी हैं उसमें मोस्टली आपके एस एंड होते हैं, जैसे स्टार का स्टार्स, बैट का बैट्स, मग का मग्स, फैन का फैंस, कैप का कैप्स, बर्ड का बर्ड्स, ब्रूम का ब्रूम्स, कैमल का कैमल्स, डेस्क का डेस्क, डॉल का डॉल्स, एग का एग्स, फ्लावर का फ्लावर्स, फोर्क का फोर्स, गेम का गेम्स, लैम्प का लैम्प्स, नेस्ट का नेस्ट, पेन का पेन्स, फोटो का फोटोज, शर्ट का शर्ट्स, स्पून का स्पून्स। अब लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो है ई एस। कुछ प्लूरल नाउन आपके ई एस से होते हैं एंड, जैसे बस, बस का प्लूरल होगा बसेस, ग्लास का ग्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, वॉच का वॉचेस, फॉक्स का फॉक्सेस, बीच का बीचेस, ई एस लग रहा है, ब्रांच का ब्रांचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, ब्रश का ब्रश ब्रशेस, चर्च का चर्चेस, डिश का डिशेस, ड्रेस का ड्रेसेस, सैंडविच का सैंडविचेस, विच का विचेस। व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर नाउन्स, जब आपके सिंगुलर नाउन का, इसका यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ, जो नाउन सम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, उसका आखिरी जो शब्द हो वो या तो सी एच हो या एस एच हो या एस ओ, एस एस ओ या एक्स हो, तो आपको ई एस लगाना है। ध्यान दीजिएगा, ये एक रूल है, अब देखिएगा कैसे। आई एस एक और थोड़ा सा अलग है, लास्ट में एस नहीं लगता, आई एस लगता है। कब? बटरफ्लाई, जब आखिर में आई वाई आ जाए तो हम आई से इसको चेंज करके ई एस लगा देते हैं, तो बटरफ्लाई वाई की जगह हम आई एस लगा रहे हैं, बटरफ्लाईज।
कैनरीज, लिलीज, कैंडीज। अब वाई को आई, वाई को आई में चेंज करके यस लगा देते हैं। ये कुछ तरीके के आपके प्लूरल नाउंस है। इसके बाद व्हाट इफ देयर इज अ वॉवल बिफोर द आई, वाई। अगर आपके पास एक वॉवल है, यानी कि जैसे वाई पे आई एस लगाना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसके पहले तो आपका क्या है, ये वाई के पहले क्या है, यहाँ पर आपके पास वॉवल है, तो यहाँ पर फिर आपको आई ई एस करने की, ये चीज करने की जरूरत नहीं है जो अभी मैंने बताया। उसके लिए आपको केवल एस लगा देना, की का कीस, टर्की का टर्कीज, ट्रे का ट्रेस, तो चिमनी का चिमनीज, काउबॉय का काउबॉयज, डे का डेज, डॉकी का डॉकीज, क्योंकि सब जगह ई ई ई या फिर कोई वॉवल आ रहा है। किडनी का किडनीज, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयज, ट्रॉली का ट्रॉलीज, वैली का वैलीज। अगर आपका नाउन एंड होता है एफ से, तो आप एफ को वी से चेंज कर देते हैं और लास्ट में ई एस लगाते हैं। जैसे काफ का काव्स, एल्फ का एल्विस, ई एल वी ई एस, ध्यान दीजिएगा, एल्फ का एल्विस, हाफ का हाफ्स, लीव का लीव्स, लोफ का एल ओ ए वी एस, शेल्फ का शेल्व्स, थीव का थीव्स, एफ से एंड हो रहा ना इसलिए वुल्फ का वुल्व्स। अब ऑफन नाउन दैट एंड विद एफ जस्ट नीड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अगर आपका केवल एफ से एंड हो रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके एफ से एंड हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल सिंगुलर का प्लूरल करने के लिए ऐसा लगाना है। जैसे शेफ का शेफ्स, चीफ का चीफ्स, क्लिप का क्लिप्स, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ, रूफ का रूफ, शेरिफ का शेरिफ्स। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एफ से एंड होते हैं, वो तो दोनों ही तरीके से बोले जा सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ड्वार्फ को अगर ड्वार्फ्स लिख रहे हैं, ड्वार्फ वेस्ट लिख रहे हैं, ड्वार्फ्स इस तरीके से लिख रहे हैं, वी एस लगा रहे हैं। हूफ का एफ एस लगा रहे हैं, वी एस लगा रहे हैं। स्कार्फ का स्क्राफ्स लगा रहे हैं, स्कार्फ्स लगा रहे हैं। दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, एफ से एंड हो रहे हैं, तो एस और वी एस चलेगा इसमें। अच्छा, अगर आपके कुछ वर्ड एफ ई से एंड हो रहे हैं, जैसे नाइफ, एफ ई एफ ई हो रहा है ना, वाई नाइफ वाइफ नाइफ, तो इसमें आपको एफ को वी से चेंज कर देना है, लास्ट में एस लगा देना। कैसे, के एन आई एफ ई, तो के एन आई एफ ई की जगह एफ को वी कर दीजिए, देखिए वी कर दीजिए, और ई रहने दीजिए, एस लगा दीजिए, तो नाइफ का नाइव्स हो गया, लाइफ का लाइव्स हो गया, वाइफ का वाइव्स हो गया। बट यू ओनली एड एस टू जिराफ टू फॉर्म द प्लूरल, यानी जिराफ के लिए ई लास्ट में आ रहा है, एफ भी, देखिए एफ भी आ रहा है, आप बोलेंगे तो जिराफ वेस होना चाहिए, जिराफ वेस, नो, इसके लिए आप केवल एस लगा दीजिए। अगर आपका नाउन ओ से एंड हो रहा है, जैसे राइनो, तो ये केवल एस आ जाएगा इसके, केवल एस से। अगर कंगारू है तो कंगारूज, ओ से एंड हो रहा है तो एस लगा दीजिए बस। अब कुछ ऐसे हैं जो ओ से एंड हो रहे हैं, तो उसके आगे ई एस लगता है, जैसे फ्लैमिंगो में फ्लैमिंगोज लगेगा, कंगारू में तो कंगारूज लगेगा, राइनो में राइनोज लगेगा, लेकिन फ्लैमिंगो में ओ ई एस लगेगा। जैसे टोमेटो, टोमेटो में ई एस लगेगा, टोमेटोज, पोटैटोज, हीरोज, आर ओ ई एस, हीरोज नहीं होता, ओनली एच ओ आर एच ई आर ओ ई एस होगा। और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो एंड हो रहे हैं ओ से, आप यहाँ तो एस लगा दीजिए, ई एस लगा दीजिए, आपके ऊपर है, दोनों ही काम करेंगे। जैसे मैंगो में आप मैंगोज कर दीजिए, मैंगोइज कर दीजिए, मॉस्किटो में मॉस्किटोइज कर दीजिए, मॉस्किटोज कर दीजिए, दोनों में चलेगा। जीरो का जीरोज कर दीजिए, जीरोज कर दीजिए, दोनों में चलेगा। बफेलो बफेलोज या बफेलोज, दोनों में चलेगा। अब सम प्लूरल नाउन डजंट फॉलो दिस एस रूल, कुछ प्लूरल ये एस फॉलो ही नहीं करते, वो एंड ही नहीं करते इससे, एस ई एस और आई एस और वी एस, जो भी हमने अपने अभी अभी रूल देखे, वो इसको फॉलो भी नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो उनका उनका तो फॉर्म ही चेंज हो जाता है। माउस का माइस हो जाएगा, गूस का गीस हो जाएगा, फूड का फीट हो जाएगा, फूड्स होना चाहिए ना, फीट हो जाएगा। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मेन, एम ई एन, मैंस नहीं होता, ऑक्स का ऑक्सन, टूथ का टीथ, टूथ्स नहीं होता, वुमेन का ई एन, वुमेन। जो प्लूरल है माउस का कंप्यूटर की भाषा में, उसको आप माइस भी कह सकते हैं, माउसेस भी कहते हैं, तो वैसे तो माउस ही यूज करते हैं। अब कुछ प्लूरल नाउन्स है वो सेम है सिंगल नाउन के, उनको चेंज नहीं करना है। शीप, चाहे एक शीप हो चाहे बहुत सारे शीप हो, वो शीप ही होते हैं। रेंडियर, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, रेंडियर होते हैं। फिश, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, फिश ही होते हैं, फिशेस कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बाइसन है, बाइसन ही रहेगा, डियर है, वो डियर ही रहेंगे, डियर्स कुछ भी नहीं होता। अब आप फिशेस यूज कर सकते हैं कब, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा यहाँ फिश तो फिश ही रहता है। फिशेस तब यूज करेंगे जब आप अलग अलग कैटेगरी के फिश की बात करेंगे, जैसे आपका एक टाइप की फिश है, दूसरी टाइप की फिश है, दोनों के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो आप फिशेस लगाएंगे। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ तो प्लूरल ही होते हैं, जैसे बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर कभी नहीं होता, गॉगल, गॉगल्स होते हैं, गॉगल कुछ भी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बोलता है कि योर गॉगल्स आर लुकिंग फाइन, या गॉगल आर लुकिंग फाइन, गॉगल बोला तो इसका मतलब गलत बोल रहा है। प्लायर्स, गेट मी अ प्लायर्स, अगर आप कोई प्लायर बोलेगा तो गलत बोल रहा है, क्योंकि ये नाउन जो है वो प्लूरल चलते हैं। जीन, गिव मी अ जीन्स, तो जीन नहीं होता, जीन्स ही रहेगा। स्पेक्टेकल्स जो है स्पेक्टेकल ही रहेंगे, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल कुछ नहीं होता, ई ऐसे रहेंगे। तो बाइनोकुलर्स, गूगल, गॉगल्स, प्लायर्स, जीन्स, स्पेक्टेकल्स। जैसे और देखिए, पैंट्स, योर पैंट्स आर लुकिंग फाइन, योर पैंट इज लुकिंग फाइन, ऐसे नहीं बोलते। पजामा, योर पजामास आर गुड, योर शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, सीजर्स, स्नीकर्स, स्लीपर्स, स्टॉकिंग्स, ये सारे ऐसे लगता है इसके अंदर। स्पेक्टेकल को हम ग्लासेस भी बोलते हैं। अब मान लीजिए आपने ये सवाल उठाएंगे कि देखिए साहब, आपने तो बाइनोकुलर्स बोल दिया, मैं इसको सिंगुलर में यूज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, तो उसके आगे आप पेयर ऑफ लगा दीजिए। जैसे बाइनोकुलर्स है ना, उसको अगर सिंगुलर करना है तो आप सीधा अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ
प्लायर्स जो भी एस वाले यूज होते हैं हमेशा प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, उनको सिंगुलर करने के लिए पेयर ऑफ लगा दीजिए। अब एक्सरसाइज देखते हैं, हमको जो वर्ड्स हैं, डू यू नो विच वन आर सिंगुलर एंड विच वन इज प्लूरल, आपको चिकमा करना है इसमें। वर्ड सिंगुलर है, पेंसिल्स प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है, फैन सिंगुलर है, हैट सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ये ना प्लूरल है, काइट्स प्लूरल है, पीपल, अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल, पीपल तो एक से ज्यादा ही होते हैं प्लूरल, पीपल्स तो कुछ नहीं होगा, क्रैब सिंगुलर, फॉक्सेस प्लूरल। अगला आया है, आप इसके आगे क्या ऐड करेंगे, ईएस या एस, इनको प्लूरल करने के लिए डेस्क के लिए हम एस ऐड करेंगे, क्लासेस के लिए ईएस ऐड करेंगे, ये मैंने बताया था लास्ट में जो आते हैं उसके हिसाब से, कॉम के लिए हम कॉम्स करेंगे, मग के लिए मग्स करेंगे, बस के लिए ईएस लगाएंगे, बसेस, बास्केट के लिए एस लगाएंगे, बकेट्स, पीचेस के लिए ईएस लगाएंगे, बेल्ट के लिए बेल्ट्स लगाएंगे, टैक्सी के लिए टैक्सीज, टैक्सीज, बॉक्स के लिए बॉक्सेस लगाएंगे। ठीक, डू यू चेंज वाई टू आई एस, अब हम इसको चेंज करेंगे या केवल एस लगा देंगे इन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल करने के लिए, कैसे देखिए, कि केवल एस, वाई के आगे क्या आ गया, वोवल आ गया, सिटी ई एस, वाई के आगे क्या नहीं है, वोवल नहीं है इसलिए ई एस लगेगा, ये आई एस, सॉरी बटरफ्लाई के लिए आई एस, आई एस, मंकी की जगह मंकीज भी लिख सकते हैं, मंकीज भी लिख सकते हैं, फ्लाई की जगह आई एस, फ्लाई आई एस, टॉय की जगह एस, बेबी की जगह आई एस, बेबीज, और पार्टी आई एस, चिमनी 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 इसके आगे केवल एस क्योंकि यहाँ पर वाई के आगे आपका वोवल आ गया, लेडी लेडीज आई एस क्योंकि वाई के आगे लोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। फिर एक्सरसाइज फोर देख रहे हैं, ऑल दीज सिंगुलर नाउन्स एंड विद ओ, सबका ओ से एंड होता है, आपको एस लगाना है कि एस लगाना है ये ध्यान दीजिएगा, प्लूरल लिखना है। वीडियो का आएगा वीडियोस, पियानो का पियानोज, मैंगो का मैंगोज भी लिख सकते हैं, ईएस भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, कैंगारू का कैंगारूज, राइनो का राइनोज, रेडियो का रेडियोज, हिप्पो का हिप्पोज, जू का जू, जीरो का जीरोज, फोटो का फोटोज, बस। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी ग्रुपिंग की बात करते हैं, चाहे आदमी नेम प्लेस एनिमल थिंग चलेगा, नाउन का मतलब है नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो ये नेम प्लेस एनिमल थिंग में जब कलेक्टिव की बात होती है, एक से ज्यादा ग्रुप की बात हो गई तो हम उसे कलेक्टिव कहते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे एक फैमिली है, चार लोग है इसमें, क्रू है, पूरा शिप में जो भी काम कर रहे हैं वो सारे क्रू हो जाते हैं, एन ऑर्केस्ट्रा, सारे के सारे ऑर्केस्ट्रा बैंड के हो गए। तो अब इसमें और जोड़िएगा कलेक्टिव नाउन में, सो एन ऑडियंस, अ बैंड, अ कॉयर, अ क्लास, अ गैंग, अ ग्रुप, अ टीम, ये इसका कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जो आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों में ऐड कर सकते हैं, जैसे फैमिली है, आप बोलेंगे माय फैमिली वाज हैप्पी टू सी मी, तो आप ये भी बोल सकते हैं माय फैमिली वर हैप्पी टू सी मी, दोनों में दोनों ही ठीक है, माय फैमिली वाज हैप्पी टू सी मी, वर हैप्पी टू सी मी। और ये जो कलेक्टिव नाउन्स है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स बट द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स विच आर कमिंग, ये वाले हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था पीपल, पीपल तो एक से ज्यादा ही होंगे, द पुलिस, पुलिस में कोई एक आदमी नहीं आता है कि पुलिस मैन हो जाएगा वो, द पुलिस मतलब पूरे की पूरी पुलिस के बारे में बात हो रही है, कैटल, कैटल मतलब एक से ज्यादा गायों का समूह, कैटल। तो कलेक्टिव नाउन्स दैट आर यूज्ड टू ग्रुप ऑफ एनिमल्स, नेम प्लेस एनिमल थिंग, देखिएगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश ध्यान दीजिएगा, स्कूल ऑफ फिश, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, तो अ बंच ऑफ कीज, अ क्लास ऑफ पीपल, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अ डेक ऑफ कार्ड, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ गैगल ऑफ गीज, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ लिटर ऑफ कब्स, पॉड ऑफ वेल्स, पैक ऑफ वुल्स, देखिए वेल्स के साथ पॉड आ गया, वुल्स जैसे कुत्ते की प्रजाति के जो भी होते हैं वो पैक में डाले जाते हैं, फिर अ प्राइड ऑफ लायंस, अ सेट ऑफ स्टैम्स, अ स्वार्म ऑफ बियर्स, अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। तो अब ये एक्सरसाइज आ गई, जॉन साहब है फार्मर, हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, इनके पास अलग अलग एनिमल्स हैं, अब उनको कलेक्टिव नाउन में आपको लिखना है, जैसे फार्मर जॉन हैड डैश ऑफ गीज, क्या है गीज, देखिए गैगल ऑफ गीज, शीप किस में थे, शीप, शीप ढूंढिए, फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप, कैटल किस में है, हर्ड ऑफ कैटल, ये देखिए हर्ड ऑफ कैटल, हॉर्सेस, हॉर्सेस में आप क्या करेंगे, आप हॉर्सेस और ये कोयोटीज, तो कोयोटीज आपको जैसे मैंने बताया आपका ये आपके पैक में होते हैं, पैक, और हॉर्सेस होते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, अ पैक ऑफ कोयोटीज। अब मैस्कुलाइन और फेमिलाइन नाउन्स के बारे में बात करेंगे, वो नाउन्स जो आदमी आदि प्रजाति के लिए यूज होते हैं, मैन या बॉयज के लिए, यानी पुल्लिंग, और फेमिनाइन मतलब जो औरतों के लिए यूज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग, तो देखेंगे कैसे, जैसे ब्राइड है, ब्राइड, और इसका अगर पुलिंग देखेंगे तो ब्राइड ग्रूम, रूस्टर है हैन, यानी हैन मतलब जो मादा हैन है, मादा, हम इसको जब हिंदी में बोलते हैं तो हम यहाँ पर दोनों की जब बात करते हैं, वैसे तो हम इसको चिकन बोलेंगे जब हम इसको खाने की बात करेंगे, लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे मुर्गा, इसको बोलेंगे मुर्गी, मुर्गा रूस्टर हुआ, मुर्गी हैन हुई। इसी तरीके से किंग क्वीन, लायन लायनेस,
अब यहाँ पर देखेंगे बॉय गर्ल, बॉय का गर्ल, मैन वुमेन, प्रिंस प्रिंसेस, स्टीवर्ड स्टीवर्डेस, स्टीवर्डेस और वेटर का वेटरेस। और देखिएगा मैस्कुलाइन फेमिनिन बताता हूँ, एक्टर का एक्ट्रेस हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, एम्परर का एम्प्रेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एम्प्ररेस नहीं एम्प्रेस ही हो जाएगा, फादर का मदर, जेंटलमैन का लेडी, फादर ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का ग्रैंडडॉटर, हेडमास्टर का हेडमिस्टर, मैन का वुमेन, मास्टर का मिस्ट्रेस, नेफ्यू का नीस, प्रिंस का प्रिंसेस, सन का डॉटर, स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस, अंकल का आंट, विजिट का विच। मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, फेमिनाइन फेमिनाइन जेंडर के लिए, तो जेंडर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए कुछ ऐसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स हैं जो आपके एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे चिकन मैंने अभी बताया आपको, मुर्गा मुर्गी है तो रूसर मुर्गा, हैन मुर्गी, कैटल में आप देखेंगे या तो बुल होगा या काऊ होगा, या तो गाय होगी या बैल होगा, तो गाय और बैल। डियर में आपका आता है बक और डो, बक और डो, जो हम डियर बोलते हैं ना, ये इस सीरीज के डियर, हिरन, हिरन सीरीज के बक और डो। डोंकी में जैक और जेनी, डक के लिए आप ड्रेक और डक कहेंगे, जो औरत है उसे हम डक कहेंगे, आदमी है वो ब्रेक ड्रेक हो जाएगा। फॉक्स के लिए फॉक्स, विक्सन, गूस के लिए गैंडर, गूस, हॉर्स के लिए गूस ही रहेगा ध्यान दीजिएगा, हॉर्स के लिए हम स्टैलियन कहेंगे, जो नर हॉर्स होगा घोड़ा, और जो मादा होगी वो मेयर। इसी तरीके से लायन के लिए लायन और लायनेस, शीप के लिए आपका रैम और ईव, रैम ध्यान दीजिएगा, रैम आपका मेल में आएगा शीप में। इसी तरीके से टाइगर का टाइगर और टाइग्रेस। नाउन दैट एंड विद ईएस एंड आर एस एस, ये दोनों जो होते हैं वो आमतौर पर फेमिन जेंडर के लिए होते हैं। बहुत सारे जो आपके नाउन्स होते हैं वो दोनों के लिए हो सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स। कैसे? डॉक्टर्स मेल फीमेल हो सकते हैं, हेयर ड्रेसर्स मेल फीमेल हो सकते हैं, डांसर्स, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट, डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पेरेंट्स, मैनेजर, प्यूपल, सिंगर, टीचर्स, ये सारे आपके दोनों के लिए होंगे, इन्हें हम कॉमन जेंडर नाउन्स कहते हैं। अब जो ऐसी चीज, ऐसे वस्तुओं के नाम जो होते हैं वर्ड, वो ना तो मेल होते हैं फीमेल होते हैं, उसको हम न्यूट्रल नाउन्स कहते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें बेंच है ना, ये नाउन है ना, ये मेल है ना फीमेल है। लीव्स, मिरर, फायर, वाटरफॉल, बॉल, बिल्डिंग, ब्रू, के, कंप्यूटर, कार्ड, फ्लोर, फॉरेस्ट, जिम्नेजियम, प्लेग्राउंड, रॉक, स्काई, सॉक्स, विंड, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे न्यूट्रल नाउन। तो अब सवाल है आपको फिल द ब्लैंक्स करना है करेक्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स में। मैस्कुलिन में आपका मास्टर है तो यहाँ पर मिस्ट्रेस आ जाएगा, अंकल है तो आंट आ जाएगा, या नेफ्यू था तो यहाँ नीज आएगा, या लायन होगा तो यहाँ लायनेस हो जाएगा, या टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा, यहाँ पर आपका एम्परर होंगे तो एम्परर्स हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा, और सर का मैडम हो जाएगा। हमको फिल द ब्लैंक्स करना है मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन से। होस्ट एंड द डैश वेलकम देयर गेस्ट, होस्टेस, होस्ट के आगे ईएस लगा दीजिएगा, स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस, माय अंकल एंड आंट लिव्ड इन नेब्रास्का, द किंग एंड द क्वीन हैड टू चिल्ड्रन, बॉय एंड अ गर्ल, द प्रिंस वाज 8 एंड द प्रिंसेस, क्या प्रिंस के आगे ईएस लगा दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर पार्टी दिस इवनिंग। अब हमारा यह है कि वर्ड्स हमको दिए हैं, हम इसको करेक्ट उसमें डालना है कैटेगरी में। तो चिल्ड्रन ये क्या है, कॉमन जेंडर में आएंगे, लड़के भी हो सकते हैं लड़की भी हो सकता है, बॉय मैस्कुलिन में आएगा, मदर फेमिनिन में आएगी, लैम्प और रैम, रैम और लैम्प ध्यान दीजिएगा, रैम्प और लैम्प की बात हम अभी करेंगे, सन ये किसमें जाएगा, ये तो आपका न्यूट्रल में जाएगा, सन मेल में जाएगा, क्वीन फीमेल में जाएगी, क्वीन फीमेल में जाने वाली है फेमिनाइन में, डॉक्टर कॉमन है, रूस्टर यानी कि जो मुर्गा है वो मस्कुलिन में जाएगा, विच विजार्ड इसके नर हो गए, विच इनकी मादा में हो गई, फादर मैस्कुलिन हो गए, फाइल थिंग है तो न्यूट्रल में चले जाएगी, डांसर कोई भी हो सकता है कॉमन जेंडर में, एल्फ एल्फ की भी बारे में बात करेंगे, एल्फ रैम लैम्प और रैम। इसी तरीके से आपका किंग, किंग मैस्कुलिन में जाएगा, गर्ल आपकी फेमिनिन में जाएगी, टीचर कोई भी हो सकते हैं कॉमन जेंडर में चला जाएगा, विजर्ड जैसे मैंने बताया था विजर्ड का विच होता है तो विजर्ड आपका मैस्कुलिन में आएगा, फिश फिश कॉमन जेंडर, फिश में नर मादा दोनों होती है। अब लैम्प रैम्प हमारा बच गया, लैम्प और रैम्प देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, मैं इसको फिर से दोहराता हूं, तो इसमें इसको लैम्प जो है ये एक्चुअली बी है लैम्प, और रैम, रैम का मतलब मैंने बताया था आपको शीप, मस्कुलाइन शीप, तो जैसे इसका फेमिनाइन में ई होता है ई डब्ल्यू ई, तो हम यहाँ पर रैम को डालेंगे आपके मैस्कुलाइन में और रैम को भी डालेंगे मैस्कुलाइन में। तो इस तरीके से हमारा ये नाउन्स कंप्लीट होता है। इसमें हमने काफी चीजें देखी स्टार्टिंग से लेकर, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें जो रूल्स है उसको एक बार और देखना होगा ताकि आप फॉर्मेशन नाउन का अच्छे से कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी की।